एक बार फिर सारा अली खान को अपने को स्टार सुशांत सिंह राजपूत की याद आई है। उन्होंने अपने डेब्यू फिल्म केदारनाथ से अनदेखे पलों को सोशल मीडिया पर शेयर किया और अपने दोस्त सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। केदारनाथ फिल्म को 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर सारा अली खान ने फिल्म के किस्सों को शेयर किया। सैफ अली खान की लाडली बेटी सारा अली खान ने बॉलीवुड में सुशांत के ऑपोजिट डेब्यू किया था। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी यादें और उनकी फिल्में कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। तो चलिए आपको भी बताते हैं उनकी दोस्त सारा अली खान ने सुशांत के लिए आखिर क्या पोस्ट किया। सारा अली खान ने केदारनाथ की 4वीं एनिवर्सरी पर लिखा, 4 साल पहले आज ही के दिन मेरा सपना पूरा हुआ था, आज भी एक सपने की तरह महसूस होता है और ऐसा ही एहसास बना रहेगा। मैं अगस्त 2017 में वापस जाना चाहती हूँ, वापस इसका एक सीन दोहराना चाहती हूँ। एक एक पल बेहद खास था, मैंने बहुत कुछ सुशांत से सीखा। सुशांत ने किताबों, गानों, फिल्मों, एक्टिंग, स्टार्स, आसमान से लेकर बहुत कुछ सिखाया। मैंने उस हर मैगी और कुरकुरे को एंजॉय किया। हम 4 बजे उठकर फिल्म की तैयारियां किया करते थे। इन लाइफ टाइम यादों के लिए शुक्रिया, जय भोलेनाथ। एक बात सारा अली खान ने लिखी कि जैसे आज रात पूरा चांद चमकता है, ठीक ऐसे ही सुशांत भी टिमटिमा रहे हैं। वो चमकता सितारा है जो हमेशा हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। सारा अली खान के पोस्ट को देखकर एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इमोशनल हो गए। आपको याद ही होगा 14 जून 2020 को सुशांत अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे। इस मामले की जांच भी अभी जारी है। केदारनाथ फिल्म सारा अली खान की डेब्यू थी तो सुशांत इससे पहले बॉलीवुड में नाम कमा चुके थे। इसका डायरेक्शन अभिषेक कपूर ने किया था तो 35 करोड़ रुपए में से तैयार भी किया गया था। इसके कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा हैं। फिलहाल ये पोस्ट देखने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रही हैं।